हाय फ्रेंजी काई से सलमान हाशमी टुडे। जैसा कि आपको पता है, हम पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं और जो पाकिस्तान के हीरो हैं वो तो पूरी दुनिया के हीरो हैं। तो आज हम एक ऐसे हीरो से आपको मिलाने लाए हैं जो सेल्फ मेड आदमी है, जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया, फ्रांस के लिए काम किया, इतनी ठंड में और इतने प्रॉब्लम्स में उसने अपना लोहा मनवाया। और एक पाकिस्तान के बेटे और एक हीरो से हम आपको मिलाने लाए। सर पूरा पूरा नाम सर जी मोहम्मद जुनैद कियानी है। कियानी साहब जो है ये सागरी के इलाके से है, रोहत के पास इस्लामाबाद का एरिया है। आपको पता है बहुत ही अच्छा एरिया है और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो उधर के ये हीरो हैं। इन्होंने फ्रांस में बड़ी अरसे रहे हैं, 41 साल रहे हैं, तो ये फ्रांस के चाचू हैं। तो सर बताएंगे कि इतनी मुश्किलात आपने उधर देखी और जमाने में की बात है, आप तो खैर बड़ा मॉडर्न हो गए। इतनी मुश्किलात तो नहीं देखी है, मेरे वाल साहब भी उधर रहे हैं। अच्छा जी जी 50 साल रहे हैं। मतलब इतनी हाई टैक्स पेयर जगह में बिजनेस करना उन्होंने पहले देखी होगी। अच्छा, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे ही थे। अभी जो है ना, जब मैं गया हूँ तो मैं तो बनी बनाई पा गया हूँ। आज भी मिली है, लोग उधर के अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतना अच्छा था भी गुजर सकता है जब लोग अच्छे मिलते हैं। कहनी साहब इधर के और उधर के लोगों में क्या फर्क है, हम में क्या चीज होनी चाहिए कि हम अपने आप को ठीक करें, फ्रेंड जैसे लोग बने? जहाँ डॉक्टर भी घर पे आता है, क्या बात है, पूरे जो रिश्वत कहीं नहीं आता, रिश्वत भी नहीं चलती है, सिफारिश भी नहीं चलती है, इसलिए लोग अच्छे हैं। अगर इधर भी रिश्वत कम हो जाए, सिफारिश ना चले, तो इधर भी काम अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आदमी पैसे देखता है तो देर पैसे के पीछे दौड़ता है, लालच आ जाता है। उधर में तो ऐसी बात है नहीं है, क्योंकि ना वो पैसे लेते हैं ना कोई देता है, इसलिए वो अच्छा काम करते हैं, अच्छी सिद्धि करते हैं, अच्छा प्यार करते हैं, माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए मैंने इतनी जिंदगी उधर गुजारी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। इधर भी अच्छा है, मुल्क मेरा है। सर खाने पीने का उधर 10 साल पहले कोई इशू था, पाकिस्तानी खाने का बड़ा मसला था, वो प्रॉपर हमें जाना पड़ता था वो मेन शहर में। जी जी ठीक है जी। अभी तो हर शहर में ही दुकानें खुली हैं, पाकिस्तानी अच्छा। दुकानें भी बहुत हैं, इंडियन भी बहुत हैं, अरबी भी बहुत हैं। अच्छा, अभी तो बहुत अच्छे से अच्छा खाना उधर मिलता है। ठीक है, हमारा खाना भी मिल जाता है, फ्रेंच का भी मिल जाता है। पहले तो टर्किश बड़े छाए हुए थे। जी जी 2003 में जो बहुत अच्छा खाना देते हैं, लिबरानी हो गए, तुर्की हो गए, बाकी जो मोरक्कोश हो गया, जहर हो गए। हर आदमी का अपना अपना खाना है और अपना अपना खाना पका रहे हैं, बहुत अच्छा पका रहे हैं। इधर भी अच्छा है, लेकिन इधर आपको पता है गाँव का माहौल है। शहर में कोई आता है कोई नहीं आता है, शहर में कोई आता है तो खाना अच्छा मिल जाता है, गांव में तो दाल चटनी है बस। अब इस कौम का मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि हमारा हीरो बैठा हुआ है और इसके पास नेशनैलिटियाँ दो हैं, लेकिन जो इसकी सेकंड नेशनैलिटी जहाँ से ली इन्होंने, उसके साथ उस कंट्री में मोहब्बत देखें, उसका प्यार देखें कि काश मेरी कंट्री भी ये कर सके। कि पूरा जहाज इनकी, ये इनके साथ एक मिसहैप हो गया अपना सर के साथ, कैनी साहब, कैनी साहब को कोई छत गिरी है, अनफॉर्चुनेटली इनको बैक पे थोड़ी सी चोट लगी है। तो बैक पे जो चोट आई है उसके लिए आप देखें कौमें कैसे बनती हैं, कि जब कौम का लीडर जो है वो अपने बच्चों को समझे, छोटे बच्चों को से प्यार करे, और पूरा जहाज भेज रहा है इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगाएं कि फ्रेंच लोग कितने बड़े लोग हैं, जो कि पूरे यूरोप में गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लैंड में, मतलब मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो सर आप क्या कहते हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, क्या मैसेज देते हैं? बहुत अच्छे लोग हैं जी, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे। एक बार किस्म की फैसिलिटी इधर मिलती है, लोग भी अच्छे हैं, प्यार भी करते हैं, मिलते जुलते भी सही। इधर तो बहन भाई भी होते हैं, वो भी नाराज होते हैं, लेकिन उनको तो मैं इसलिए अच्छा कहता हूँ, देखो मेरे लिए कितने पैसे उन्होंने भरे हैं, 1 करोड़ समझो, 2 करोड़ उन्होंने भरा है मेरे लिए। अब आप खुद देखिए 2 करोड़ रुपया लगा के भाई भाई को नहीं देता, कोरोना में पूरा जहाज भेजा है कि भाई इनकी मेडिकल हो, यहाँ से ये जाएंगे वहां जाएंगे और इलाज फ्री फ्री। ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि यहाँ जी डॉक्टर कहता है डाकू ये पैसे दे दो वो पैसे दे दो, फिर वो मैं डाका मारूंगा, मैं खाऊंगा, फिर घर जाके उन पैसों से शराब पिएगा और गलत काम करेगा। ठीक है, वो पैसे नहीं रखने उसके पास। तो सर हम फ्रेंच गवर्नमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे बंदे की उन्होंने बड़ी, हम बहुत थैंकफुल है फ्रेंच गवर्नमेंट के। और फ्रांस जो है इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, पेरिस इज अ सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लव। हम यंग, मैं जब यंगस्टर था तो मैं जाया करता था फ्रांस, ठीक है, वीकेंड गुजारने के लिए। तो मुझे तो उन लोगों में इतना प्यार लगा है। एक दफा मुझसे ट्रेन भी मिस होगी तो एक टैक्सी वाले ने मुझे रोका, फ्रेंड, कह रहा कोई बात नहीं, आई विल ड्रॉप यू,
द यूथ हॉस्टल, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सिक्योर लोग हैं। सर अब हमारी कौम को क्या मैसेज देते हैं फ्रांस में, क्योंकि एजुकेशन भी फ्री है जी जी, हमें तो पता नहीं था उस टाइम कि डॉक्टर्स की और ये एजुकेशन फ्री है जी जी। तो क्या हमारे बच्चे उधर जाके पढ़ के एक अच्छा इंसान बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, इधर भी बन सकते हैं, बनना चाहिए इधर भी बन सकते हैं, लेकिन माँ बाप की तरबियत का मसला होता है, कोई अच्छी तरबियत देते हैं, कोई गलत तरबियत देते हैं। माँ बाप अगर सही हो जाए तो बच्चे कैसे नहीं सही होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। देखो मैं गिरा ना जब, मेरा गाँव पूरा मेरे पर आ गया, सब ने मुझे उठाया, सब ने मुझे बाहर निकाला है, शायद ये ना होते मेरी जान भी चली जाती। अल्लाह का करम है, मैं गांव में ही रहता हूँ, शहर में तो रहता नहीं, तो मुझे अपने गांव से मोहब्बत है, मेरे अपनी बरादरी है, चाहे कुछ भी हो, खानदान बरादरी हो, मुश्किल वक्त में आदमी अपने ही काम आता है। लेकिन बड़ी उन्होंने हिम्मत की, बड़ी मतलब कोशिश करके मुझे बाहर निकाला, शायद मैं अकेला होता था बाहर ना, लेकिन बरादरी की वजह से, बहन भाई की वजह से, मैं अल्लाह ने मुझे बड़ा रहम किया। नहीं नहीं सर, आप हमारे हीरो हैं और हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप माशाल्लाह पाकिस्तान आए, आपके साथ एक मिसहैप हुआ, बट डोंट वरी, हम आपके लिए स्टैंड करेंगे और इंशाल्लाह ताला मंडे को हम मेक श्योर करेंगे कि एम्बेसी का स्टाफ आपको विजिट करने आए। दे वांट टू से यू हेलो, और फ्रेंच एम्बेसी से हमारी रिक्वेस्ट है, वी आर रिक्वेस्टिंग टू द फ्रेंच एम्बेसी दैट लुक, योर हार्ड वर्किंग मैन इन इस्लामाबाद हैज बीन इंजर्ड इज बैक, ऑलराइट, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द फ्रेंच एम्बेसी दैट they arranged an aeroplane, but unfortunately nor ambassador nor the consulate general nor the attache came down to see a French national here in Islamabad. So we request the French ambassador, we request the French attache, we request the political attache, we request the cultural attache to at least come down to see him. We are Pakistani, we love you. All right, you don't need to worry. We are here to welcome you free of threat. We know that you are facing a problem in Pakistan, but we always respect you. Our heart, our blood, our everything is for you. So please come down and see your national here, whose father was also living in France, who was a national. Now he is a national for the last 40 years. His sons, his family, all are friends. They are honest to you guys. We are honest to you guys. We respect you. So please come down and say hello to you, hello to Mr. Kiani, to Mr. And we'll answer any message. आप कुछ message देना चाहेंगे? French में। बात ठीक है, सारे इस्लाम दे रहे हैं। चेंज हो रहा है। French में को बात करें छोटी सी। शुक्रिया दादा। Bonjour mon ami. Ça va bien? Beaucoup merci. Vous êtes très gentil. Merci. Au revoir. Bonsoir. And you know, in French, you want to say "je t'aime" and you know, "boyo comment ça va." I love you guys. Take care of yourself. Thank you. Thank you.